हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट। टुडेज टॉपिक इज आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट। आउटब्रेक स्टूडेंट्स, इट मींस स्टार्ट, इट मींस रिवोल्ट, यानी स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट, स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट। एंड इट मींस विस्फोट, इट मींस बिगन, यानी प्रारंभ करना, यानी आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, यानी विद्रोह या रिवोल्ट का प्रारंभ स्टूडेंट्स। So here students, on 24 April 1857, some soldiers stations at Meerut also refused to use cartridges. यानी some soldiers make station, यानी that place where they start the revolt. यानी stations means यानी that place, यानी where the starting revolt is Meerut. यानी Meerut एक ऐसा place बनाया वहाँ से जहाँ से रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हो, तो वो प्लेस सबसे पहले क्या स्टार्ट करता है, मीरठ। यानी ऑल्सो रिफ्यूज यूज कार्ट्रिज, यानी कार्ट्रिज जो कारतूस थे उनके, जो इनफील्ड राइफल में लगाने के कारतूस थे, उन कारतूस पे जो एक तरीके से उसके ऊपर जो लेप होता था, जो एनिमल्स के जो फैट का क्या कहते हैं लेप होता था, उसमें लिप्त होते थे, उसको यूज करने से मना कर दिया था इंडियन सोल्जर्स ने। सो उसको यहाँ पर क्या करते हैं, उसको रिफ्यूज कर दिया यूज करने से, कि हम ये कारतूस हैं आपके मतलब यूज नहीं करेंगे। ऑन 9 May 1857 दे वर सेवरली पनिश्ड फॉर इट, यानी अब इन सोल्जर्स ने इसको यूज करने से मना कर दिया, तो उन सबको क्या कर दिया, इन सेवरली दे वर पनिश्ड, यानी उनको पनिश्ड किया गया, उनको क्या कर दिया गया, पनिश्ड किया गया। एंड स्टूडेंट्स, दिस इंसिडेंट स्पार्क्ड, यानी जब उनको पनिशमेंट मिला, यानी जब उन्होंने उसको यूज करने से मना किया, फिर उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पनिशमेंट किया, और यही पनिशमेंट था क्या अपना स्पार्क ऑफ जनरल म्यूटिनी, यानी अमंग द सीपॉय एट मीरठ, यानी क्या किया, तो स्पार्क था वही जनरल म्यूटिनी थी जो घटना थी, स्पार्क के ऊपर क्या जोश आया, चिंगारी हुई, और एक जनरल म्यूटिनी थी, यानी घटना वहां पर हो गई, यानी सीपॉय जो सीपॉय थे एट मीरठ, यानी मीरठ में जो सीपॉय थे। एंड ऑन 10 May 1857 दीज रिवर्स, यानी ये जो रिवर्स विद्रोही सोल्जर्स ये थे, इन्होंने क्या किया, किल देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स, और उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ब्रिटिश ऑफिसर को क्या कर दिया, मार दिया, यानी उनको किल कर दिया गया, उनको मार दिया। अब यहाँ स्टूडेंट्स की रिलीज देयर जेल, और क्या कर दिया, इन्हें जेल से, यानी जो और जो रिवर्स थे जो जेल में बंद थे, यानी उनको क्या कर दिया गया, उनको रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। एंड ज्वाइंट कामरेड एंड रेज्ड द फ्लैग रिवोल्ट, यानी कामरेड इन सहयोगी बने उन सोल्जर्स के, उन इंडियन जो सीपॉय थे उनके क्या बने, उनके कामरेड, यानी उनके सहयोगी बने, उनके मित्र बने, उनके साथ में रिवोल्ट में मतलब उनके पार्टिसिपेट किया रिवोल्ट में। एंड रेज द फ्लैग ऑफ रिवोल्ट, रेज मींस क्या होता है, उठाना, अपलिफ्ट, यानी उस झंडे को, यानी उसको जो यानी फ्लैग ऑफ रिवोल्ट, यानी जो रिवोल्ट जो फ्लैग था, उस जो फ्लैग था रिवोल्ट का, एक उन्होंने अपना फ्लैग बनाया था, उस झंडे को उन लोगों ने उठाया, किसने, जो जेल से रिलीज किए गए थे लोग, उन लोगों ने उस झंडे को, यानी रिवोल्ट का झंडा था, उसको उठाया, अपलिफ्ट किया, यानी जैसे कि हम भी उसमें, यानी सभी लोगों ने रिवोल्ट में साथ दिया। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ ग्रेट रिवोल्ट, यानी ये यही क्या बना, यही जो बिगनिंग थी, शुरुआत थी, यही एक ग्रेट रिवोल्ट, यानी एक बहुत बड़ा रिवोल्ट का रूप, यानी एक विद्रोह का रूप इसने ले लिया। नेक्स्ट अप कि ऑन 11 May 1857 दे रीच दिल्ली, यानी मीरठ से स्टार्ट किया, और 11 मई कहाँ पहुँच गए, ये दिल्ली पहुँच गए ये सोल्जर्स थे। इन सोल्जर्स ने एक लोकल इन्फेंट्री थी इनकी, उसको सेट किया, और कहाँ पहुँच गए, तो लोकल यानी नहीं मीरठ की इन्फेंट्री थी, उसको साथ में लेके वहाँ के सोल्जर्स को ले गए, इन्होंने मार्च कहाँ किया, दिल्ली को, और दिल्ली ये पहुँचे 11 May 1857 को। उसके बाद क्या हुआ, जब दिल्ली पहुँचे, दे वर ज्वाइंड बाय द लोकल इन्फेंट्री, यानी वहाँ पर जाके जब दिल्ली पहुँचे ये, तो उन्होंने वहाँ पर एक लोकल इन्फेंट्री थी, जो वहाँ के सोल्जर्स थे, लोकल सोल्जर्स थे, सिपाही थे जो वहाँ के, उनको ज्वाइन किया।
एंड रिवल्स कैप्चर दिल्ली, और जो रिवल्स थे उन्हें दिल्ली पे दिल्ली को कैप्चर कर लिया, यानी दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। एंड डिक्लेयर्ड द मुगल एम्पायर, और जो मुगल रूल था उसको डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पर मुगल शासन चलेगा, मुगल रूल चलेगा। और बहादुर शाह जफर एट एज द एम्परर ऑफ दिल्ली, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली का मुगल एम्परर इलेक्ट कर दिया। तो इस वजह से ऐसे करके ये जो आपका 1857 का रिवॉल्ट था वो स्टार्ट हुआ था। इसी यानी बहुत सारे जो यहाँ पर था कि जो रिवॉल्ट था, मंगल पांडे इसका सबसे बड़ा लीडर था जो ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, और उसने कुछ सिपो यानी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, इसने उसको अपनी इन्फेंट्री में उसने मार दिया था, जिस इन्फेंट्री से बिलोंग करता जिस वजह से हैंग आउट कर दिया गया था, जैसे फांसी दे दी गई थी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।